जय हिंद एवरीवन। सिंपल 10 पास से आरपीएफ एक ऐसी वर्दी वाली भर्ती है जिसमें लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है, और जो लड़के SC ST कैटेगरी से आते रहते हैं उन लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर लगता है, और जो लड़कियां SC ST कैटेगरी से आती रहती हैं तो उन लोगों का हाइट 152 सेंटीमीटर लगता है। लेकिन दुख इस बात का है ना कि आरपीएफ का भर्ती काफ़ी दिनों से नहीं आया है, तो बहुत सारे लोगों को आरपीएफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जैसे जब कोई भी भर्ती हर साल निकलती रहती है तो उसके बारे में लोग जानना पसंद करते हैं और हमेशा सर्च मार के देखते रहते हैं और उसका तैयारी अच्छे से करते हैं। अब आरपीएफ की भर्ती 2018 में निकाली गई थी, 2018 के बाद से अभी तक आरपीएफ का कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला था, उस भर्ती का कुछ पता ठिकाना ही नहीं चल रहा था। लेकिन आरपीएफ की तरफ से अभी कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसके ऊपर यूट्यूब पर काफी सारे लोग वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन यह वीडियो सबसे अलग होने वाला है। जिन लोगों को आरपीएफ के बारे में पूरा बात अच्छे तरीके से पता होगा ना, तो उन लोगों का उम्र ये समाप्त हो गया होगा, क्योंकि 2018 में आरपीएफ का भर्ती कराया गया था और तब से जो लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे कि 2019 में भर्ती आएगी, 2020 में भर्ती आएगी, 2021 में भर्ती आएगी, 2022 में भर्ती आएगी, तो भर्ती तो आई ही नहीं, तो पुराने लड़के ओवर एज हो गए। अब जो नए लड़के हैं सब, उन लोगों को आरपीएफ के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं होगा। आरपीएफ का जो पेपर कराया जाता है ना, इसमें मैथ के 35 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस के 50 क्वेश्चन रहते हैं। 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है लड़कों का, ठीक है ना, और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर का कराया जाता है। इसका जो भी प्रोसेस है सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लोगे ना तो आरपीएफ के बारे में दूसरे जगह से कोई भी नॉलेज लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जिन लोगों का हाइट कम होगा और वो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। जब मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं बना था, टेलीग्राम चैनल था, तो काफी सारे लोग कमेंट करके बोलते थे कि भाई मुझे तो टेलीग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, टेलीग्राम में कैसे जुड़ा जाता है, मैं नहीं जुड़ पाता हूँ। तो भाई अब मैं अपना व्हाट्सएप चैनल बना दिया हूँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल ANDC के नाम से है, उसमें जाकर आप लोग जुड़ जाना। फर्स्ट कमेंट में भी अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, तो फटाक से जाओ मेरे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाओ। तो चलते हैं, पहले सारी चीजें देख लेते हैं। अब कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये रहा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है ये सारी चीजें मैं आप लोग को अभी समझा दे रहा हूँ। इससे पहले आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के बारे में सारी चीजें समझ लेते हैं। जब इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाती है तो आप लोग देखते होंगे उसमें इंडियन आर्मी GD होता है, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन होता है, इंडियन आर्मी टेक्निकल होता है, इंडियन आर्मी क्लर्क होता है और इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट होता है। उसमें बहुत सारा पोस्ट होता है। सेम उसी तरह से आरपीएफ में दो पोस्ट होता है, एक आरपीएफ कांस्टेबल होता है और दूसरा आरपीएफ सब इंस्पेक्टर होता है। ये जो आरपीएफ कांस्टेबल होता है ये भर्ती 10 पास से कराई जाती है और जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर होता है ये भर्ती ग्रेजुएशन से कराई जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो, आपके पास कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी भी आप इसमें फॉर्म भर के भर्ती देखने जा सकते हो और इसमें ज्यादा हाइट भी नहीं मांगा जाएगा। सारी चीजें मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। देखो इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए जनरल और EWS कैटेगरी के लिए, और OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, और जो लोग SC ST कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोग का मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। तो इसमें उम्र भी मतलब अच्छा खासा मांगता है, आप लोग देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हाइट मतलब कितना लगता है। तो देखो मेल के लिए, जैसे लड़कों के लिए इसमें 165 सेंटीमीटर वैसे हाइट लगता है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उन लोग को तो हाइट में काफी ज्यादा छूट मिलता है, जैसे जो लोग गोरखा और खा रहते हैं, और जो लोग SC ST कैटेगरी से आते रहते हैं उन लोग का हाइट 160 ही सेंटीमीटर लगता है, ठीक ना। आप लोग देख लेना, जो लोग SC ST कैटेगरी से आते रहते हैं उन लोग का आरपीएफ में हाइट 160 सेंटीमीटर लगता है, बाकी लोगों का 165 सेंटीमीटर लगता है। 2018 में जब आरपीएफ की भर्ती निकाली गई थी तो उस नोटिफिकेशन को देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इससे पहले भी जब आरपीएफ की भर्ती निकाली जाती थी तो सेम ऐसे ही लगता था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें चेस्ट कितना लगता है। तो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ, और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में, लड़कियों के बारे में, तो इन लोगों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगता है UR और OBC कैटेगरी के लिए, और मतलब जितनी भी लड़कियां SC ST कैटेगरी से आती हैं तो उन लोगों का हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के रनिंग के बारे में, इसके दौड़ के बारे में। इसमें लड़कों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाता है जिसमें 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है, और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर
किलोमीटर कराया जाता है, जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम मिलता है। दौड़ होने के बाद जंप होता है, तो इसमें लड़कों का लॉन्ग जंप 14 फुट कराया जाता है और हाई जंप 4 फुट कूदाया जाता है। उसके बाद से लड़कियों का लॉन्ग जंप 9 फुट कराया जाता है और हाई जंप 3 फीट कराया जाता है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले तो जब इसका ऑनलाइन होगा तो इसमें आप लोग को अपना फॉर्म भर देना है। उसके बाद से इसका एग्जाम होगा, ठीक है ना, इसका पेपर होगा। सबसे पहले पेपर कराया जाएगा, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। पेपर होने के बाद इसका फिजिकल होगा और फिजिकल के टाइम ही जैसे हाइट वेट नापा जाएगा, वो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। हाइट कितना लगेगा ये मैं आप लोग को ऊपर ही बता दिया हूँ। जब फिजिकल मतलब दौड़ हो जाएगा और हाइट हो जाएगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन होता है। इसका ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है ना, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। मैथ के 35 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस के 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं 120 नंबर के और टाइम 90 मिनट का मिलता है, ठीक है ना। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 कराता है, तो निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग 1/3 कराता है। वो शॉर्ट नोटिफिकेशन जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में कुछ बातें बताई गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर लिखा गया है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीचे लिखा गया है रेल मंत्रालय और यहाँ पर देखो लिखा गया है रेलवे बोर्ड और यहाँ नीचे लिखा गया है कि अप्रोच एबव इट इज अप्रीज दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इज टू बी इंस्टेड द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्ट इन 2018 इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ डायरेक्ट। जैसे ये बोल रहा है ना, जो 2018 में आरपीएफ की भर्ती कराई गई थी तो वो आरपीएफ के द्वारा ही कराई गई थी, मतलब डायरेक्ट आरपीएफ के द्वारा कराई गई थी। लेकिन इस बार जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी तो वो डायरेक्ट आरपीएफ के द्वारा नहीं कराई जाएगी, वो आरआरबी के द्वारा मतलब उसका पेपर कराया जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्ट बाई आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, मतलब उसका ऑनलाइन होगा और पेपर ऊपर कराया जाएगा। उसके बाद से जो पीईटी होता है, मतलब पीईटी मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दौड़ होता है, ठीक है ना, दौड़ और हाइट वेट नापा जाता है, तो वो आरपीएफ के द्वारा कराया जाएगा। मिला जुला कर इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि 2018 में जब आरपीएफ की भर्ती कराई गई थी तो वो आरपीएफ के द्वारा कराई गई थी, लेकिन इस बार जो आरपीएफ की भर्ती कराई जाएगी वो पहले पेपर उसका आरआरबी के द्वारा कराया जाएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कराया जाएगा, और वो होने के बाद जो दौड़ कराया जाएगा फिजिकल कराया जाएगा तो वो आरपीएफ के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिखा गया कि 16/10/2023 तक मतलब इसका जवाब चाहिए, तो ये यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर साइन बाई श्रीकांत मोहन है। यहाँ आप लोग देख सकते हो डीआईजी वाईजी का सिग्नेचर यहाँ पर दिया गया है, रेलवे बोर्ड का यहाँ पर सिग्नेचर लगा हुआ है। तो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, उनको आरपीएफ के बारे में सारी चीजें आसानी से पता चल गई होंगी। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को लेकर ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। ये नहीं बताया गया कि इस महीने में आरपीएफ का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, इतने तारीख से लेकर इतने तारीख के बीच में ऑनलाइन चालू होगा, ये नहीं बताया गया है। अभी सिर्फ एक संकेत दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने तैयारी में लग जाओ और भाई बहुत जल्द आरपीएफ की नई भर्ती आने वाली है और आरपीएफ के साथ साथ मेस की भी भर्ती निकाली जाएगी और आईआरबी का जो भर्ती है ना वो भर्ती भी निकाली जाएगी। मेस की भर्ती तो ऑल इंडिया के लिए रहेगी, लेकिन जो आईआरबी की भर्ती निकाली जाएगी वो ऑल इंडिया के लिए नहीं रहेगी, सिर्फ कुछ राज्यों के लिए निकाली जाएगी। और साथ ही साथ आसाम राइफल की भी भर्ती आने वाली है, ठीक है ना। आसाम राइफल में पता नहीं इस बार क्यों लेट लगा रहे हैं सब, पहले मतलब इतना लेट नहीं लगता था, लेकिन बहुत जल्द आसाम राइफल का भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। अगर पढ़ाई करते रहोगे तो भर्ती बताने के लिए मैं हूँ, ठीक है ना। देखो कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका पुराना पूरा का पूरा डाटा इकट्ठा करके मैं आप लोगों को एक जगह बता दूंगा, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। चलो ठीक है, अब आप लोगों को नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया है, अब अपना अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।